हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं अपने थोड़ी सी जो गार्डन की अपडेट है वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मेरे एडेनियम के सीड पॉट लगभग तैयार होने लगे हैं। इधर का सीड निकल रहे थे, पूरा खुल गया था ये, तो मैंने इसको कलेक्ट करके रख लिए हैं इसके सीड। और इधर ये देखिए, क्रिसेंथेमम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये ऑरेंज और मैरून कलर के फ्लावर आ रहे हैं इनमें। ये देखिए काफ़ी सारे, कुछ सूख भी रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और ये एडेनियम जो मैंने कट कर दिया था, उसकी ग्रोथ देखिए, अच्छी नई पत्तियां आ रही हैं। और इधर एडेनियम में भी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरे सारे मैरीगोल्ड काफ़ी अच्छे ब्लूम्स पर हैं। कुछ मैंने अपने थर्ड फ्लोर पर रख दिए हैं और ये दो प्लांट मैंने यहीं पर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पूरा एरिया ये कवर हो गया था और इसको बिल्कुल भी स्पेस, हवा नहीं आ रही थी बिल्कुल, तो थोड़ा सा फंगस का भी अटैक होने का डर था, इस वजह से मैंने थोड़ा अलग अलग करके रख दिया है इन सबको। तो इस तरह से ये देखिए काफ़ी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं इनमें। और इधर ये सारे पिटूनिया भी काफ़ी अच्छे ब्लूम्स पर हैं। कुछ फ्लावर मैंने अभी बहुत सारे इनके फ्लावर हटाए भी हैं, ऐसे मुरझाए हुए फ्लावर। तो आपको अपने पिटूनिया के फ्लावर ऐसे मुरझाए हुए हटाते जाना है, तभी इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और जितने ज़्यादा आप फ्लावर हटाते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे प्लांट्स पे। तो ये देखिए, ये प्लांट्स मेरा काफ़ी अच्छा है, एकदम फुल ब्लूम्स पर है और बहुत ही प्यारा सा है। ये देखिए इतने सुंदर इसके कलर हैं और एकदम डार्क कलर के आते हैं फ्लावर, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इधर ये देखिए रेड कलर, जो पीच कलर है, काफ़ी खूबसूरत है ये भी। और ये देखिए एस्टर में भी बहुत अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं। तो अभी मेरे दो प्लांट और लगे हैं एस्टर के, लेकिन अभी उनकी फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है, बस यही एक प्लांट में ही फ्लावर आए हैं। और ये साल्विया के मैंने फ्लावर पूरे कट कर दिए हैं, वैसे भी इसका कलर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए ऐसे पर्पल कलर में इसके फ्लावर आए हुए थे, तो मैंने उनको अब सूख रहे थे तो हटा भी दिया है। और देखिए जेरेनियम की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। इधर क्रिसेंथेमम, ये ऑरेंज कलर के क्रिसेंथेमम है, जो कि अब खिलना स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे कलियां खुल रही हैं इनकी। और ये देखिए ये मैरून कलर के, रेड मैरून से फ्लावर आएंगे इनमें, ये दोनों प्लांट में मेरे काफ़ी अच्छा कलर, सुंदर दिखता है एकदम, फ्लावर भी थोड़े बड़े साइज के रहते हैं। और इधर ये देखिए ये पिटूनिया भी ऐसे काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। और इधर ये, और दो तीन प्लांट मैंने नए अभी लगाए हैं अपने गार्डन में, नए ऐड किए हैं। तो ये देखिए एक इम्पेशंस है और ये काफ़ी अच्छा रेड कलर का फ्लावर इसमें भी आया हुआ है। इसको 5-6 दिन खिले हो गए, तो थोड़ा सा इसका कलर अब फेड हो रहा है। और मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड स्प्रे भी किया है, तो थोड़ी आपको पत्तियाँ थोड़ी धुंधली सी दिख रही होंगी, नहीं तो बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट्स है ये। और ये देखिए मेरा पेपर फ्लावर, ये भी काफ़ी अच्छा, हॉली क्रिसम भी बोलते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये दो पिटूनिया भी मैं बेबी प्लांट लेकर आई थी फिर से, तो इनको मैंने ऐसे लगा दिया है, एक को तो पॉलीबैग में लगा दिया और दूसरे को मैंने डिब्बे में लगा दिया है। तो जब तक मेरे ये पिटूनिया लगभग, क्योंकि इनकी बहुत लंबी लंबी से ब्रांच हो गई हैं, खिलेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक, लगभग मार्च अप्रैल तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है, पर थोड़े प्लांट एकदम लेगी लेगी से हो जाते हैं, तो इनको मैं ले आई हूँ ताकि मैं और लास्ट में इनको लगा दूँ, तो फिर और लास्ट तक फ्लावरिंग होती रहे मेरे गार्डन में। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर, जो पिटूनिया का, जो मैं उस समय नर्सरी से लेकर आई थी, आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया था, उस समय मैंने सिर्फ इसका फ्लावर देख कर ही प्लांट को लिया था और प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और अभी देखिए प्लांट कितना हेल्दी हो गया है, लगभग दो हफ्ते भी नहीं हुए हैं इसको अभी, और कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है प्लांट ने। इधर एक प्लांट मेरा ये नया है और पेंजी का, इसको भी मैंने 2 दिन पहले ही लगाया है। और एक प्लांट मेरा ये है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, पर मैंने ऊपर थोड़ा सा फंगस सा लग रहा था तो मैंने उस ऊपर को पिंच भी कर दिया इसका, पता नहीं नीचे से ब्रांच आ तो रही है पर अभी बढ़ नहीं रही है इसकी ब्रांच। इधर ये देखिए टोरेनिया में फ्लावर आ रहे हैं अभी भी, एक कैलेंडुला सारे फ्लावरिंग पर है काफ़ी अच्छे। और ये डेंथस, डेंथस में भी अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
और ये मेरा विंका सदाबहार, इसके फ्लावर थोड़े से आज मुरझाए हुए से हैं, शायद इसको पानी की ज़रूरत है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। और ये जिनिया भी मेरे कुछ फ्लावर मैंने इसके हटाए हैं, लेकिन कुछ अभी और हटाने लायक हैं। ये देखिए, मुझे लगा थोड़े मैं सेड भी कलेक्ट कर लूँगी, इसलिए मैंने छोड़ दिए थे फ्लावर, लेकिन बहुत ही कलर इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अब। और ये देखिए कैलेंडुला येलो कलर का, काफ़ी अच्छा बड़ा सा फ्लावर है और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ, देखिए कितनी सुंदर है। और ये टोरेनिया, ये भी काफ़ी अच्छी ब्लूम्स पर है अभी, ये वाइट बेगोनिया। और दो एस्टर के छोटे छोटे बेबी प्लांट लाई थी मैं 5 रुपीज़ में, तो उनको भी मैंने एक ही गमले में दोनों को लगा दिया है। ये देखिए, इनमें सभी मैंने कल थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दिया है, तो इनकी पत्तियाँ थोड़ी ऐसी धुंधली सी दिख रही हैं। एक प्लांट मेरा ये है, ये उन्होंने डहेलिया की वैरायटी बताया था, पर ये बिल्कुल भी धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, थोड़े से भी इसको धूप में रख दो तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे सिकुड़ सी जाती हैं, तो मैं इसको छाया में ही रखती हूँ। और इसके पालक के जैसे पत्ते दिख रहे हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है। इधर ये जेरेनियम देखिए, जो अभी मैं लास्ट में लेकर आई थी, छोटा सा एकदम 20 रुपीज़ में, उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और इधर मेरे सारे ये ग्लाडिया के फ्लावर खिल रहे हैं, इधर जीनिया भी काफ़ी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, इनमें भी जीनिया के सारे फ्लावर हटाने लायक हैं वैसे तो, मैं देखूंगी इनको हटा भी दूंगी। और ये हिबिस्कस मेरा खिला हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। तो ये देखिए, ये सारे मेरे थर्ड फ्लोर पर रखे हुए प्लांट्स हैं, जो मैंने अभी तक दिखाए वो मेरे सारे सेकेंड फ्लोर पर हैं, वो देखिए वहाँ पर। और ये मेरे यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर हैं, तो ये सारे मैरीगोल्ड हैं। और ये इधर पिटूनिया, पिटूनिया के जो मैंने सीड्स से अपने घर में ग्रो किए थे वही सारे प्लांट्स हैं, इनमें से सभी प्लांट्स मेरे घर में ही ग्रो किए हुए हैं। और देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर निकल कर आ रहे हैं, ये देखिए रेड कलर बहुत ही प्यारा सा है। और इनमें धीरे धीरे अब किसी में स्टार भी बनने लगे हैं, ये देखिए जैसे इसमें सारे में स्टार बनने शुरू हो गए, शुरू में जो फ्लावर आ रहे थे ऐसे आ रहे थे, और जो अभी आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं। और ये भी मेरे घर में ही ग्रो हुआ है प्लांट है, तो ये देखिए ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा पिटूनिया से भरा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए गजानिया में, गजानिया में अभी मेरा एक ही फ्लावरिंग पर आया है एक ही प्लांट, और एक तो मैं नया लेकर आया हूँ, उसमें देखिए छोटी सी बर्ड्स आ रही है यहाँ पर, और एक ये इसी के साथ मैंने लगाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेस्ट अटैक हो गया था, तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई थी। अभी मैंने इसको थर्ड फ्लोर पर यहाँ पर रख दिया, तो इसकी ग्रोथ अच्छी शुरू हो गई है, और बस अब कुछ ही दिनों में इसमें बर्ड्स भी आने शुरू हो जाएंगी, नीचे से आ भी रही है शायद। और ये देखिए इसमें अभी कोई फ्लावर नहीं आया है। और इधर ये देखिए मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड काफ़ी अच्छे ब्लूम्स पर हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको देखकर। तो यहाँ से मेरा थर्ड जो सेकंड फ्लोर का गार्डन है वो भी दिखता है, ये देखिए आप। और ये सारे यहाँ पर हैं, और ये डेंथस देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है, डेंथस में बहुत ही प्यारे से फ्लावर आए हुए हैं, जो नीचे खिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पिंक में वाइट का जो शेड है बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक पिटूनिया मेरा ये है, ये भी सारे सीड से घर में ही ग्रो हुए थे मेरे प्लांट, इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है। ये एक पेंटास है, इसकी भी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। और ये जीनिया, एक प्लांट मैं लाई थी आप लोग के साथ शेयर भी किया था, तो उसका फ्लावर मैंने शुरू में ही हटा दिया, तो देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांच आ गई हैं, और अगर मैं उसको लगा रहने देती तो सीधा एक ही ब्रांच रह जाती और फिर ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता। और भी देखिए 5-6 कलियाँ भी इसमें आ गई हैं, और 5-6 ब्रांच भी आई हैं नीचे से और साइड से सब जगह से। और ये देखिए डहेलिया, डहेलिया जो छोटे छोटे बेबी प्लांट थे उनको मैंने इस बड़े से गमले में लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए शायद ये कोई कैटरपिलर खा रहा है इस पत्तियों को, तो मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगी, अभी तो नहीं दिख रहा कुछ भी, ये देखिए। और ये सारे मैरीगोल्ड हैं। इधर ये देखिए स्ट्रॉबेरी का मेरा एक प्लांट मैं लेकर आई थी, और उससे मैंने 3 प्लांट और बना लिए, ये देखिए एक प्लांट मेरा ये है, और एक ये है, और एक ये छोटे से डिब्बे मैंने लगा कर रखा है, तो इसमें रनर निकले हुए थे। और ये देखिए इसकी फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर इसमें 2 फ्लावर आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है। और इधर देखिए क्रिसेंथेमम, कितने सुंदर कलर, येलो कलर बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और ये एक डहेलिया और है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है, और एक डहेलिया ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है।
और ये सारा देखिए मेरे टमाटर के प्लांट भी मैंने लगा कर रखा है, टमाटर भी आ गए हैं छोटे छोटे से, दो तीन निकले हुए हैं। और ये सारे क्रिसेंथेमम जो मैंने कटिंग से लगाए थे, इधर ये देखिए सारे ग्लाडिया के प्लांट है जो अपने आप ही सीड से ग्रो हुए थे, तो मैंने इन सबको ऐसी पॉली बैग में लगा दिया है, ये देखिए। और ये सारे मैरीगोल्ड, ये पिंक कलर के क्रिसेंथेमम थे लेकिन काफ़ी दिनों से खिले हुए, इनके कलर देखिए सबके थोड़े कम हो गए हैं, अब फेड से हो रहे हैं, पर जो मेरा येलो कलर है बहुत ही प्यारा कलर है, ये देखिए पूरा जो कूलर का टैंक था मेरा फूलों से पूरा भर गया है। और इसमें दो तीन वैरायटी के फ्लावर हैं, ये देखिए एक ही थोड़ा बड़े फ्लावर वाला है, एक ही छोटे छोटे से फ्लावर वाला है, और बहुत ही खूबसूरत है ये। ये देखिए पूरा जब ही इधर का पूरा ये जब खिल जाएंगे तो पूरा ये पूरा ऐसे कवर कर लेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इधर देखिए कनेर में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मैं इधर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऐसे इसकी ब्रांच ऐसे नीचे लटक गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, ये देखिए यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है येलो कलर मेरा पूरा यानी। और एक फ्लावर इसमें ऐसा लगा हुआ है बड़ा सा, और कुछ इसमें मिनिएचर वैरायटी है, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं, इसमें कई वैरायटी के फ्लावर लगे हुए थे, ये देखिए। तो इस तरह से मेरे गार्डन में चल रहा है अभी। तो बस फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।